चेहरे से टपकता पसीना, घर से निकलने पर तपती धूप और हर रोज बढ़ता तापमान। भोर होते ही सूरज के तल्ख तेवर के बाद दोपहर आते आते आसमान से आग बरसने लग रही है। पूरा उत्तर भारत गर्मी के सितम से बेहाल है। बात उत्तर प्रदेश की गर्मी की करें तो हालत बेहद खराब नजर आते हैं। बीते 6 दिनों में नौतपा के एक्टिव होने से गर्मी लोगों की जान ले रही है। हर साल जेठ के महीने में जब सूर्य 9 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इसे नौतपा कहते हैं। यही कारण है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में सूरज की तपिश और लू की चपेट में आने से लगभग 51 लोगों की मौत की खबर है। केवल बुंदेलखंड में गर्मी और लू लगने से 31 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें महोबा में 8, हमीरपुर में 7, चित्रकूट में 6, फतेहपुर में 5, बांदा में 3 और जालौन में 2 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है। जहां बुधवार को संगम नगरी प्रयागराज में 48.8 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, तो वहीं कानपुर भी पीछे नहीं रहा। कानपुर में अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का दूसरा सबसे गर्म शहर घोषित किया गया। वहीं प्रयागराज और कानपुर में जहां तापमान में सारे रिकॉर्ड तोड़े, तो वहीं हमीरपुर जिले में गर्मी कहर बनकर टूट रही है। यहां नौतपा के 5वें दिन अलग अलग जगहों पर लू और बुखार से 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें से राठ क्षेत्र में 4, सुमेरपुर में 2 और गहरौली क्षेत्र में 1 की मौत हुई। बुधवार को यहां अधिकतम तापमान 47.6 और न्यूनतम 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर हमीरपुर के पड़ोसी जिले महोबा में 8 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। प्रतापगढ़ में भी बुखार के कारण 2 लोगों की लू लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि नौतपा से यूपी समेत उत्तर भारत के राज्यों की हालत बेहद खराब है। तापमान रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इस भीषण गर्मी में लोग डायरिया बुखार समेत गश खाकर गिर रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार रहा, लेकिन प्रयागराज गर्मी के मामले में टॉप पर है। यहां अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस के मीटर को छू गया है। दावा है कि पिछले 3 सालों में ये दूसरा मौका है जब प्रयाग में टेम्परेचर 48 डिग्री को टच कर रहा है। भीषण गर्मी के बीच कूलर एसी ने भी काम करना बंद कर दिया है। वहीं कानपुर भी उमस और लू की जद में है। यहां रात 12 बजे भी दिन जैसी गर्म हवाएं बह रही। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आने वाले दिनों में गर्मी से त्रस्त जनता को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं 30 मई यानी गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहे, जिसे धूप से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन गर्मी में कोई कमी नजर नहीं आई। वहीं लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही ये बादल राहत की बूंद के रूप में बरसेंगे। वहीं गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बुधवार दोपहर दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री तक पहुंच गया। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती गर्मी बड़ा स्वास्थ्य खतरा बनकर उभर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के चलते होने वाली मौतों में बढ़ती गर्मी एक बड़ा कारण बन गई। वहीं ज्यादा गर्मी से दिल और किडनी पर दबाव बढ़ता है। बढ़ते तापमान से दिल के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य, अस्थमा और ऐसी दूसरी बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।